क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सितंबर 2018 में खेले गए एशिया कप को भारत ने शानदार अंदाज में जीता था, लेकिन तब एशिया कप में एक नहीं बल्कि कई बड़े विवाद सामने आए थे और उन्हीं में से एक विवाद सुपर फोर मैच का था। अब मैच में भारत ने तो बांग्लादेश को बुरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों का गुरूर तब भी नहीं टूटा था, क्योंकि मैच के दौरान तो उन्होंने ऐसी हरकत की थी जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी को परेशानी होगी। अब हैरानी की बात यह है कि अब तक भी आईसीसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आपको दिखाते हैं सब कुछ क्या हुआ था तब और अब आईसीसी क्या करेगा। तो बांग्लादेश की बैटिंग के दौरान जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों के पैड पर हमारी नजर पड़ी। आप भी देखिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों के पैड की स्ट्रिप किस रंग की है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, फिर सफेद और सबसे नीचे हरा रंग, यानी भारत के तिरंगे का रंग। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को और उनकी जर्सी बनाने वालों को इस बात का अंदाजा ना हो, इस बात का एहसास ना हो। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के साथ हुए इस मैच में बांग्लादेशियों ने जानबूझकर ऐसे पैड पहने थे और भारतीय तिरंगे का बुरी तरह से अपमान किया था। और एक नहीं बल्कि हर बांग्लादेशी खिलाड़ी के पैड की स्ट्रिप्स ऐसी थी और भारत को लेकर उनका गंदा रवैया साफ साफ नजर आ गया था। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जो किया वो तो बेहद गंदा और शर्मनाक था। क्रिकेट सिर्फ एक खेल है और खेल में बांग्लादेश ने हर हिंदुस्तानी की भावनाओं को आहत किया था, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि शिकायत के बाद भी आईसीसी ने इस पर कुछ भी नहीं किया था। तो वैसे में सवाल है कि क्या अब आईसीसी इस पर कार्रवाई करेगा और क्या अब आप भी बांग्लादेश पर इसे लेकर एक्शन चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।